धनबाद में हीरापुर के हिंदू मिशन अनाथालय में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 53वीं पुण्यतिथि पर एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अनाथ बच्चों को दशहरा के मौके पर वस्त्र दिया गया और इसी के साथ भोजन भी कराया गया। हीरापुर के हिंदू मिशन अनाथालय में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 53वीं पुण्यतिथि पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ट्रस्ट द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अनाथ बच्चों को दशहरा के उपलक्ष्य पर नए वस्त्र दिया गया और भोजन भी कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में धनबाद के उप विकास आयुक्त दशरथ चंद्र दास और विशिष्ट अतिथि के रूप में अर्चना राय उपस्थित थे, जिनके हाथों से अनाथ बच्चों को नए वस्त्र उपहार स्वरूप दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ट्रस्ट के संस्थापक और अध्यक्ष संतोष विकराल ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। और हमारे आदर्श डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का 53वीं पुण्यतिथि है। यह निश्चित रूप से देश का बहुत बड़ा दिन है, जहां लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद किया था और देश से भगाया था। उसमें एक नाम श्रेष्ठ रूप से अगर आता है तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का आता है। आज क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पे करेंगे? आज हिंदू मिशन अनाथ आश्रम के बच्चों को बिहारी लाल चौधरी वस्त्र दान का कार्यक्रम है बच्चों को, और उनको भोजन कराने का, सम्मान देने का जननायक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ट्रस्ट के माध्यम से हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के माध्यम से, कार्यक्रम के आयोजक मंडल के माध्यम से यह प्रयास है कि धनबाद में श्रद्धा और प्रेम और सामर्थ्य के अनुसार दान की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहे, अच्छे समाज का निर्माण, अच्छे विचार का उदय, अच्छे संस्कार के साथ हमारे धनबाद में भी हो, जिससे कि हमारी जो जटिल समस्याएं हैं वह दूर हो और लोग जो है कल्याण महसूस करें, खुशी महसूस करें। इसी उम्मीद के साथ आज की पुण्यतिथि हम अपने आदर्श परम आदरणीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के पुण्यतिथि पर कोटि कोटि दंडवत होते हुए यह विचार रखते हैं कि लोग अपनी आस्था और प्रेम को उज्ज्वल भविष्य की ओर इनके आदर्श के आधार पर ले चलें। तो धन्यवाद। जय हिंद। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।